गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर हमने यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग की थी और इसके साथ हमने ग्लॉसरी के मीनिंग्स पढ़े थे। टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की एक्सरसाइज। द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ड्रग एडिक्शन वॉज द चैप्टर अबाउट द ड्रग एडिक्ट्स के बारे में बताया था कि हाउ द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। इट ऑल्सो रेफर टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन ट्रीटिंग ड्रग एडिक्ट्स। इट हाइलाइट्स द वाइटल रोल दैट काउंसलिंग प्लेज इन मेकिंग पीपल लाइफ अ हेल्दी लाइफ। सो होपफुली आपने ग्लोसरी के मीनिंग्स भी याद कर लिए होंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दीज आर द 6 क्वेश्चंस दैट वी हैव। आई हैव द आंसर्स ऑफ दिस इन माय फोन। आई विल एक्सप्लेन देम, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ। यू पीपल हैव ALS नोट्स, आपके पास ALS के नोट्स हैं। इफ़ यू हैव दोस नोट्स, यू कैन यूज़ देम टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स। प्लस इफ़ यू डोंट हैव दोज नोट्स, आई हैव द सॉल्व आंसर्स, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो आई हैव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशा और अद्वियात की लत के क्या असरात हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। यानी कि मंशियात का देर तक इस्तेमाल, अगर आप बहुत देर तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो जहनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। वट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज कॉज बाई जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। वो कहते हैं कि नशा और अद्वियात की लत के क्या वजूहत होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जेनेटिक भी होता है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द से भी लेते हैं। बहुत कम केसेस में इट इज़ जेनेटिक, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा काउंट होते हैं, लाइक द बैड पीयर इन्फ्लुएंस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। वट इम्पॉर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जो बहाली सेहत के मराकज़ हैं, वो क्या काम करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ड्रग एडिक्शन बाय प्रोवाइडिंग द एडिक्ट्स प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट। यानी कि ये बहाली सेहत के मराकज नशे की लत को कंट्रोल करने के लिए नशियों को, यानी कि ड्रग एडिक्शन को मुनासिब रहनमाई और इलाज मुहैया करती हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। नशावार अद्वियात की लत को रोकने के लिए तबी मशवरे का क्या किरदार है। द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स इन रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन विक्टिम इज प्रॉपर काउंसलिंग। यानी कि आप उसको अच्छे से मशवरा दें। द सूनर इट इज़ डन द बेटर, द बेटर इज़ फॉर द विक्टम। कि इसको जितनी जल्दी आप करेंगे वो उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। वाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टम्स टू द ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। वो कहते हैं कि नशे के शिकार खानदान वाले नशे की बहाली सेहत के मराकज़ पर ले जाने में क्यों हिचकिचाहट महसूस करते हैं। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बींग फॉर आउटकास्ट द फैमिलीज ऑफ द ड्रग विक्टम्स फील रिलक्टेंट टू टेक दैम टू द ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। यानी कि वो समझते हैं कि अगर किसी को पता लग गया फैमिली में तो वो उनको आउटकास्ट, यानी कि अपने खानदान से बाहर कर देंगे, बरादरी से निकाले जाने के डर से वो लोग नहीं लेके जाते। वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर कम्प्लीट रिकवरी ऑफ सच पेशेंट्स। कहते हैं कि ऐसे मरीजों की मुकम्मल सेहतयाबी को यकीनी बनाने के लिए खानदानों की क्या जिम्मेदारी हैं। डॉक्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। डॉक्टर खानदानों और दोस्त को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और मरीज को बेहतर तरगीब अपनाने का मशवरा देना चाहिए। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेफर टू होम कंडीशन, साइकोलॉजिकल इशूज ऑफ द पर्सन एंड द सोशल सर्कल इन विच द पर्सन लिव। यानी कि माहौलियाती अवामिल किसी शख्स के घरेलू नफ्सियाती मसाइल और उसके समाजी हलका से मुतालिक होते हैं। द जेनेटिक फैक्टर्स रेफर्स टू मेटाबॉलिक स्ट्रक्चरल एंड न्यूरोकेमिकल मैल फंक्शंस इन द ब्रेन। अब जो होते हैं जो जेनेटिक होते हैं वो दिमाग में खुराक के तगैर और उनकी कीमियाई कमियों की वजह से मिलते हैं। यानी कि समथिंग दैट इज़ फ्रॉम बर्थ, वो चीज़ जो बर्थ से आपके साथ होती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू लर्न एट होम। लेट्स मूव टूवर्ड्स द यूनिट नंबर लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेटर नंबर 10। यू हैव टू लर्न द लेटर नंबर 10 एट होम। लेट मी रीड दैट। सो दिस इज़ अ लेटर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स।
यू नो द पैटर्न वेरी वेल, आप लोगों को पैटर्न पता है, दैट इज़ नॉट मेंशन ओवर हेयर, बट आई विल ऑल्सो पोस्ट अ पिक्चर ऑफ इट, जो मैंने लास्ट टाइम भी की थी, मैं अब दोबारा आपको कर दूंगी। लेट्स रीड दैट लेटर। डियर फ्रेंड, माई एग्जामिनेशन इज़ ओवर, मेरे इम्तहान ख़त्म हो चुके हैं एंड आई हैव नॉट मच टू डू दीज डेज, और इस वक्त मुझे करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करूँ। यू टॉक वंस अबाउट योर फाइनल कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नावल, तुमने एक दफ़ा बात की थी कि तुम्हारे पास इंग्लिश के एक अच्छे नावल्स हैं एंड प्लेस और बहुत अच्छे ड्रामास पढ़े हैं। आई वॉन्ट टू बोरो अ फ्यू नावल्स फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ नावल्स उधार लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई होप दैट यू विल नॉट रिफ्यूज़, मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगी। आई एश्योर यू दैट आई शेल टेक केयर ऑफ योर बुक्स, मैं यकीन दहानी करवाता हूँ या करवाती हूँ कि मैं तुम्हारी किताबों की हिफाजत करूँगी। आई शेल ट्राई टू रिटर्न दिस बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं किताबें तुम्हें जल्दी से जल्द वापस करूँ। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, अब मेरा सलाम अपने पेरेंट्स को, अपने वालदैन को देना। योर सिंसियरली एक्स वाई सी। सो दिस इज़ अ लेटर नंबर 10 दैट यू हैव टू लर्न एट होम प्लस द यूनिट नंबर 10। आपने यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन और या लेटर नंबर 10 घर में बैठकर याद करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर लेक्चर नंबर 2। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।